हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड पर अवतरण दिवस पर केक काटकर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 21 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। सोजत उपखंड के सोजत रोड कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष जोड़ाराम रत्न के अवतरण दिवस पर ब्लड बैंक द्वारा बुधवार को विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारम्भ सोजत रोड चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एन के विजयवर्गीय, ब्लड बैंक के डॉक्टर त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर मुस्तफा हुसैन, मधुबाला सोनी, नर्सिंग ऑफिसर पदम सिंह, पीआरओ की उपस्थिति में शिविर में 21 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस दौरान समाज सेवी विष्णु कुमार व्यास, ओम प्रकाश मारू, कालू मारू, पारसमल राजेंद्र, कालूराम मदनलाल, भीकाराम श्रवण, सुरेश दासू, दिलीप, मनोज रत्न, अर्जुन रत्न, देवरल महेंद्रल, जितेंद्र चिकित्सा कर्मी व राजू सिंह राव, सोजत रोड सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस दौरान शिविर का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर एन के विजयवर्गीय ने रक्तदान को महादान बताते हुए वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष जोड़ाराम रल के दीर्घायु की कामना की। जागरूक टीवी के लिए राजस्थान सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।